बेसिक इसी काम को 10-15-20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्या आप लोग को एबीसी की एफिशिएंसी लिखने आ जाएगा? 10-15-20 से कटने वाली राशि 60, 6, 4, 3 जी सही है भाई जी। अब कलम रोक लीजिए। तीनों ने आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद इन्हें काम तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन बाद का मतलब छोड़ो ने 12 A किया, 3 दिन बाद का मतलब 12 काम B किया, तो 12 12 24 काम तो हो गया, बच गया 36 काम करने के लिए सी को कई दिन, अब 12 दिन हो गया। लेकिन शेष काम पूछ रहा है तो 12 दिन में 3 दिन तो उन लोग के साथ कर लिया था ना, यानी शेष कई दिन विद्यार्थी जी? तो 9 दिन। कलम क्यों लगाएंगे फिर से? टोटल काम कितना माना था? तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, 6 4 10 3 13 2 दिन हो गया उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, बच गया बी और सी। 1 दिन बाद 3 दिन न था, 2 दिन उसके 3 दिन, 3 दिन था, 1 दिन और भी रहेगा, बी भी छोड़ दिया, तो बच गया कौन? सी। जल्दी हल कीजिए। 13 2 26 और 7 33 घट जाएगा तो 27 यानी डी बराबर 9। आप लोग को लिख के बताते हैं तभी समझ में आता है। आया समझ में भाई जी? लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा बिना कलम के, कलम पॉकेट में रखें। ए 3 दिन काम किया ने 2 दिन ए 2 दिन काम किया 6 2 12 बी ने 3 दिन काम किया 4 3 12 तो 12 12 24 काम हो गया, 60 में 24 हो गया, बचा कितना? 36 काम करने के लिए सी को कितना? सी ने 12 दिन काम किया और सी शुरू से लेकर अंत तक था, नहीं काम 12 दिन में ना समाप्त हुआ। लेकिन कह रहा शेष काम, देखिए क्या कह रहा है, तो 12 दिन पूरा था जिसमें 3 दिन पहले हो चुका था, तो शेष काम कई दिन में? बोलिए ना हाँ या ना। कुलदीप विकास मिलकर 30 दिन में, 20 दिन काम करने के बाद कुलदीप चला गया, शेष काम अगले 30 दिन में करता है, तो कुलदीप की जगह 20 दिन काम करके छोड़ा तो कुलदीप कितने दिन में? देखिएगा, कुलदीप और विकास हैं, 2 बंदे हैं। कुलदीप और विकास किसी काम को कई दिन में? दिमाग बस इतना लगाइए ना, किसी तरह से एफिशिएंसी निकल जाए आपका काम। 20 दिन काम करने के बाद, 20 दिन काम कर लिया उसके बाद कुलदीप चला गया, नहीं बच गया कौन? अगले 30 दिन में काम खत्म। तो क्या इससे एफिशिएंसी निकालने आ जाएगा आप लोगों को? जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए। 3 1 यानी कुलदीप का, जल्दी बोलिए सही है। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलके 30 दिन में, यानी टोटल काम 90 था, दोनों मिलके 30 दिन में, यानी टोटल काम 90 यूनिट था, सही है। अब आते हैं सीखिएगा, यदि कुलदीप की जगह विकास 20 दिन के बाद चला जाए, कई दिन के बाद? तब 20 दिन का काम बीतिया, 60 काम हो जाएगा, बच जाएगा 30 काम, और 30 काम कुलदीप करने में कई दिन लेगा? तो 15 दिन। कविता बबीता और समिता एक काम शुरू करती है, 5 दिन बाद कविता समिता छोड़ देती है, 8 दिन बाद बबीता छोड़ देती है, शेष काम कविता कितने दिन में? यदि अलग अलग दिया हुआ तो है, कविता बबीता और सविता 20 60 30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 3 1 तो यहां तक समझ में आ गया होगा, सही है। 5 दिन बाद समिता छोड़ दी, तो 5 2 10
हो गया, 50 बच गया। 8 दिन बाद कविता बबीता छोड़ दी, तो 8 कहां है, यानी बच गया 42। अब 42 काम करने के लिए 14 दिन, लेकिन शेष पूछ रहा है, तो 14 में 8 दिन तो उन लोगों के साथ, यानी शेष ए बी सी की एफिशिएंसी जल्द से जल्द हम लोग बोल सकते हैं, देर किस बात का, 15-20-30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए 4-3-2। यहां तक समझ में आ गया? अब रुके, एबीसी काम शुरू करते कुछ दिन के बाद ए छोड़ देता, उसके अगले 4 दिन के बाद बी छोड़ देता, शेष काम सी 2 दिन में समाप्त किया, तो पूरा काम कितने दिनों में, लिख के बताओ या बिना लिखे? बिना लिखे। लास्ट तक कौन क्या, सी के 2 दिन पहले बी छोड़ा है और उसके 4 दिन पहले, यानी ये 6 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले, ए के 6 दिन का काम 6-4, अभी के 2 दिन का काम 24 और 6, जोड़ दीजिए 60 में 3 जोड़िए 90/9, आंसर कई दिन, अगर पूछेगा काम कितने दिन में तो 10 दिन में, अगर पूछेगा विद्यार्थी जी बी कितने दिन पहले, तो 2 दिन पहले यानी 8 दिन में, अगर ए कितने दिन पहले, तो 6 दिन पहले यानी 4 दिन में। अब बोलिए ना, पूछ क्या रहा है, काम पूरा कितने दिन में, तो आंसर 10। ए बी सी 12-18, अच्छा ए और बी है, 12-18 है, नहीं 12-18 से कटने वाली राशि 36 लाने के लिए यहां 3 यहां, सी के बारे में मुझे पता नहीं। अब रुके, सीखिएगा ऐसा ही बन जाएगा, सीखिए। ए बी सी मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए और बी छोड़कर चला गया, तो 4 दिन का मतलब 4×5=20 हो गया, बचा कितना, 16 काम ना, 16 काम, शेष काम सी द्वारा 6×2/3, तब बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, 6×2/3 इधर, और 4 दिन पहले भी तो हुआ होगा, क्योंकि तीनों मिलकर ना शुरू किया था, तो सी ने किया 10×2/3, तो जल्दी बोलिएगा, 10×2/3 का मतलब 10×32=32/3 दिनों में कितना ना, कितना काम किया था, कितना बचा हुआ था, 16 काम, कितना काम, तो 16 काम विद्यार्थी जी इतना दिनों में, तो 60 काम कितने दिनों में हल हो जाएगा, 16×2=3 यानी 60 काम लाने के लिए विद्यार्थी जी जल्दी बोलिएगा, 2×3 दिन में एक काम ना, 2×3 दिन में, तो 60 काम लाने के लिए विद्यार्थी जी 60 से गुना हो जाएंगे, आंसर कई दिन, 40 दिन। 20, 30 और 40 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 120 लाने के लिए 6, 4, 3। अब रुक जाइए, सीखिएगा, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले छोड़ा जाए तो उसका काम भी जोड़ेंगे, प्रोसेस में नाम भी रखेंगे, याद है, तो ए के 3 दिन का काम छोड़ दिया और बी के 2 दिन का काम, 8 ना तो 18×26 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 100, अब बटा 6×4=10 सही है, यानी 11×3/3 इतना दिन में समाप्त होगा। ए 36 बी 54 सी 72 यानी एलसीएम 216 तो 6×4=3 सही है। आगे एक साथ काम शुरू करते हैं, काम खत्म होने से 9 दिन पहले ए और 7 दिन पहले बी, तो सेम हो गया,
नौ दिन पहले ए यानी नौ छत चौवन, सात दिन पहले बी यानी सात चौ तो चौवन अट्ठाईस, जल्दी जोड़िए चौवन अट्ठा कितना चौवन और अट्ठाईस, यानी कहने का मतलब बेरासी ना, तो 216 में बेरासी जोड़ दीजिएगा, 298 बटा 6 4 10 3, 13 दुने 26, 3 13 दुने 26 यानी 12 बटा 3 यानी 22 पूर्णांक 12 बटा 3। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।